ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को देखना है दैट इज डाइपोल मोमेंट। हम लोग को जो नेक्स्ट हेडिंग देखना है ये हमारा क्या है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसका एक आप लोग थोड़ा सा सीरियसली देखना, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है। तो देखो डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं इसको समझाऊं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वर्ड समझना पड़ता है दैट इज डाइपोल, दैट इज डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है कि अगर कोई भी चार्ज एक दूसरे से सेपरेट होते हैं ना तो वो आपको एक डाइपोल कंस्टिट्यूट करते हैं। जैसे मान के चलो अगर आपके पास ए और बी है, ठीक है, अगर ए और बी में बोला जाए कि बी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब ए के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा डेल्टा प्लस और बी के ऊपर कौन सा हो जाएगा डेल्टा माइनस। तो आपको ये दो एक चार्ज दिख रहा है, ये दोनों चार्ज हैं जो कि सम डिस्टेंस एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, तो ये क्या होते हैं, ये एक डाइपोल फॉर्म करते हैं। तो डाइपोल क्या होता है, चार्ज सेपरेटेड बाय, चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सम डिस्टेंस constitute, constitute dipole। तो आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि डायपोल होता क्या है, कि कोई भी दो चार्ज से एक दूसरे वो सेपरेटेड रहे तो वो क्या बनाते हैं एक दूसरे से डायपोल वो फॉर्म करते हैं, यहां तक सही है, ठीक है। चलिए तो अगर यहां तक ये हमने देख लिया तो अब हम लोग को देखना है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, हम लोग को देखना है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। तो देखो कुछ नहीं, अगर ये दोनों एक दूसरे चार्ज है एक दूसरे से सेपरेटेड है, लेट इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर डी है तो आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो आपका होता है, डाइपोल मोमेंट होता है आपको जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी, ठीक है, क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी। यहां पर आपको ये क्यू क्या होगा, क्यू होगा आपको चार्ज ऑन, चार्ज ऑन द स्पीसीज, चार्ज ऑन द स्पीसीज ए और बी, ए और बी, और आपको डी क्या यहां पर रिप्रेजेंट करता है सेपरेशन, ये क्या रिप्रेजेंट कर सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो डी आपको उस दो के बीच में क्या सेपरेशन, यहां पे जैसे सेपरेशन डी है तो और आपको क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई और डी जो भी आपको डायपोल फॉर्म करेंगे उसके ऊपर क्या चार्ज है और उसका साइन कंसीडर नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये चीज तो हो गया कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान कर देना है ना, ये आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, आपको डायपोल मोमेंट जो होता है, जो आपका डायपोल मोमेंट होता है ये आपको एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है एक आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी का मतलब मेरे ख्याल से आप लोग फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़े हो तो कोई नई बात आपके लिए है, मतलब क्या है ना, अब आपको मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो आपको अगर आपके पास HCl दिया जाए, HCl तो आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, अगर स्ट्रक्चर में छोड़ो बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट HCl होगा तो आपको पता है कि इसके बीच में चार्ज सेपरेशन होगा डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस, क्या ये डाइपोल बना रहा है, बिल्कुल डाइपोल बना रहा है। अब अगर ये डाइपोल बना रहा है तो इसमें याद रखना कि डाइपोल मोमेंट का जो ओरिएंटेशन होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पे एंड होता है, मतलब कि इसका जो एरो होता है डाइपोल मोमेंट का ये इस तरह से एरो होता है, और ये याद रखना ये पूंछ कटा जाता है इसका, ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये इसका पूंछ कटा हुआ रहता है। तो इस तरह से ये क्या होता है हमारा डाइपोल मोमेंट का नोटेशन, आपको पता ही है कि ऑब्वियस है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा जिसको हम लोग कहां से निकालते हैं म्यू से, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता ही है तो इसलिए आपको क्या होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इसका एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखना है कि डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव साइन टुवर्ड्स नेगेटिव साइन,
ये चीज ध्यान रखना कि आपको डायपोल जो भी होता है आपको ये हमेशा क्या होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ये आपका डायरेक्टेड होता है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है। अच्छा, अगर मैं HCl के केस में डायपोल मोमेंट निकालूं, अगर HCl के केस में डायपोल मोमेंट निकालूं तो इसमें चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय डी होता है, तो चार्ज आपको इसके ऊपर क्या है, प्लस वन चार्ज दिख रहा है या माइनस वन, जो भी साइन तो आपको लेना है ही नहीं, तो मल्टीप्लाइड बाई डी, तो ये क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा कब कि इन केस ऑफ HCl। बोलो यहाँ भी सही है, ठीक है, थोड़ा सिंपल सा चीज है। चलिए अब अगर यहाँ तक हमने सीख लिया ना तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट और भी कंसीडर करना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अगर थोड़ा सा आपको नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना शुरू करूं तो एक चीज ये देखना कि ये कहां से कहां डायरेक्टेड होता है, ये आपको पॉजिटिव टर्मिनल से आपको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्टेड होता है। अच्छा, इसको मैं अगर थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में लिखूं, ठीक है, इसको अगर टेक्निकल भाषा में लिखें, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम less electronegative atom towards more electronegative atom, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा सिंपल सा चीज है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तो समझने वाली चीज है, कोई बहुत ज्यादा इसको ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज आता है और यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की भी जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं इसका यूनिट। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, यहां से लिखना और बहुत हद तक आपको यूनिट पता भी होगा। तो देखो इसका एक यूनिट होता है डी बाई, इसका एक यूनिट होता है डी बाई, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से, ठीक है। और दूसरा इसका यूनिट क्या हो सकता है, देखो याद है आप अगर डायपोल मोमेंट को देखो ये क्या होता है वैल्यू, क्यू मल्टीप्लाइड बाई डी, Q का वैल्यू क्या होता है आपको, Q क्यू होता है आपका चार्ज, इसका यूनिट क्या होता है कूलम, डिस्टेंस d होता है, इसका यूनिट होता है मीटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कूलम मीटर भी इसका क्या हो सकता है आपको यूनिट हो सकता है, ठीक। तो ध्यान रखना कि इसके दो दो यूनिट होते हैं, एक होता है आपके कूलम मीटर, एक होता है आपको डिवाई। अच्छा, अगर ये जो यूनिट हो सकते हैं तो इसमें एक रिलेशन भी आपको ध्यान रखना होता है, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट करने का रिलेशन भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो एक रिलेशन आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है, दैट इज 1 by 3.33 into 10 to the power 30 सेंटीमीटर, मैं सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, कूलम मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि एक डिवाइड को कूलम मीटर में कन्वर्ट करने के क्या तरीके हैं, तो इसको क्या फॉर्मूला होता है, तो दैट इज 3.33 इंटू 10 टू पावर माइनस 30, ठीक है। चलिए जी, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब बात ये कि चलो ठीक है, हमने पढ़ना शुरू किया कि क्या होता है डायपोल मोमेंट, बड़ी चीज पढ़ी, लेकिन हमारा मकसद क्या है इसको पढ़ने का, और इसका मकसद ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं जो आपको डायपोल मोमेंट का पढ़ने का जो रीजन होता है ये होता है, मैं लिख भी देता हूं कि डायपोल मोमेंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ कंपाउंड, पोलर और नॉन पोलर नेचर ऑफ कंपाउंड को पहचानने के लिए डायपोल मोमेंट का यूज होता है। अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जैसे एक एक करके एग्जांपल लोग देखना शुरू करते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा चीज आपके लिए नहीं होगा। जैसे मान के चलो क्या बोला जाए, जैसे मान के चलो कि आपके पास कोई भी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा सा स्पीड हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मान के चलो आपके पास कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, कोई भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो देखो इसका हम लोग दो कैटेगरी लेते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपको पोलर कंपाउंड, एक होता है आपको पोलर कंपाउंड, और एक होता है आपको
नॉन पोलर कंपाउंड, एक होता है आपको नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। चलो ठीक है, ये भी समझ लीजिए क्या होता है। देखो इसे मान के चलो, आपको बोल रहा हूं कि मैंने HCl कंसीडर किया, तो अगर मैंने HCl को कंसीडर किया है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर मैंने HCl को कंसीडर किया, तो दिख रहा है आपको इसके ऊपर कौन सा चार्ज, डेल्टा माइनस, इसके ऊपर कौन सा है डेल्टा प्लस। तो चूंकि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, इसके ऊपर चार्ज है ठीक है, और इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण इसके ऊपर ये चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नेचर में कैसा है आपको पोलर है ठीक है। जैसे उसी तरह जैसे मान लो HF ले लिया, HF, तो ऑब्वियस है इस केस में आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइड्रोजन और फ्लोरीन में है, तो इसके कारण इसके ऊपर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, और ये भी क्या कहलाएगा पोलर। जैसे मान के चलो OH ले लिया, अगेन इसके बीच में चार्ज सेपरेशन होगा, और ये नेचर में कैसा होता है पोलर होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पोलर अगर नेचर है, तो इसका मतलब आप इन जनरली उसको देखोगे कि उसके बीच में चार्ज सेपरेशन होता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक दो बात आपको बताऊंगा ठीक है। तो पहले तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं ठीक है। दूसरा आपको है नॉन पोलर, जैसे मान के चलो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड देखें ठीक है, तो क्या क्लोरीन क्लोरीन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्या, नहीं, तो इसके बीच में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो ये कैसा है नेचर में नॉन पोलर है, ये नेचर में कैसा है नॉन पोलर। उसी तरह से बहुत सारे आप ले सकते हो यार, हाइड्रोजन H2 है, तो ये भी नेचर में कैसा होगा नॉन पोलर। तो मतलब आप यहां से क्या बोल सकते हो, कि अगर अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अगर जीरो हुआ, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो वो नेचर वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो भी रहेगा वो नेचर में कैसा होगा नॉन पोलर, वो नेचर में कैसा होगा नॉन पोलर। बात समझ सही है? अच्छा, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, अगर आपको नॉट इक्वल टू जीरो रहता है, तो जनरली मैं यहाँ पे अब वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जनरली, क्यों अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो जनरली आपको वो नेचर में कैसा होता है पोलर, वो नेचर में कैसा होता है पोलर। तो मेरे ख्याल से दो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आएंगे कि पोलर आपके क्या होते हैं ठीक है, कहाँ चले गए बात करना चाहिए। तो पोलर आपके नेचर में मतलब कैसे इसको डिफाइन करते हो पोलर को, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ठीक है। अब हम लोग देखो, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो जैसे एग्जांपल दिया जाए, अब मैं पोलर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ता हूं, हमने क्या पढ़ा अभी तक, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत काम का चाहिए। जैसे मान के चलो हमने अगर एग्जांपल लिया HF का, तो आपको दिख रहा है कि HF में इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, चार्ज सेपरेशन है, तो ये नेचर में कैसा होगा पोलर होगा। लेकिन ध्यान रखना कि आपके सारे जो आपके जिस केस में चार्ज सेपरेशन हो, वो जरूरी नहीं कि वो सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड आपके पोलर होते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको लेके बता रहा हूं। जैसे मान के चलो मैंने BCl3 लिया, तो BCl3 में आपको पता है इसके ऊपर कौन सा होगा डेल्टा प्लस चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा माइनस, इसके ऊपर अगेन डेल्टा प्लस, और इसके ऊपर डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट कर, और एक नहीं तीन तीन चार्ज सेपरेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये नेचर में आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे, ये तो एक पोलर होना तो तय है, लेकिन एक्चुअली में ये कैसा होता है, आपको नॉन पोलर, ये एक्चुअली में कैसा होता है आपको नॉन पोलर। समझ में आया क्या है अभी पे, ये चीज बहुत क्लियर करूंगा। तो इसलिए मैं ये यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ कि ये जो आप पढ़ते हो ना कि जनरली कभी भी चार्ज सेपरेशन हो जाए तो वो पोलर ही होता है, ऐसा ऑलवेज वैलिड नहीं है ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो अगर उस कॉन्सेप्ट को लगाओ कि यहाँ पे तीन तीन चार्ज सेपरेशन है भाई, यहाँ पे तो खूब अच्छे से पोलर होना चाहिए, लेकिन ये आपका नेचर में कैसा होता है नॉन पोलर। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं इस कॉन्सेप्ट को अगर आगे बढ़ाऊं और मैं एक एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे PCl5 है, आपको PCl5 का स्ट्रक्चर तो मेरे ख्याल से अगर डायपोल मोमेंट पढ़ रहे हो तो PCl5 का स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा। PCl3 ये आपको सेम प्लेन पे होता है, अच्छा मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके अगर प्लेन को अलग दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है, अगर प्लेन को ऊपर दिखाऊं, और ये एक क्लोरीन प्लेन के ऊपर और ये दूसरा क्लोरीन प्लेन के नीचे
है। तो आपको दिख क्या है, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आओ, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे वर्क करो, अगर यहाँ पे वर्क करोगे तो देखो यहाँ पे तो दिख रहा है कि फॉस्फोरस के ऊपर डेल्टा प्लस आर और क्लोरीन के ऊपर डेल्टा माइनस, यहाँ पे तो पांच पांच आपके चार सेपरेशन दिख रहे हैं, पांच पांच, ये भी बीसीएल में इस तीनों प्लेनर जो बीसीएल है सब में चार सेपरेशन दिख रहा है, एक प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे जो बीसीएल है इसमें चार सेपरेशन दिख रहा है। तो ये आपको नेचर में एक्सपेक्ट कैसा करोगे, ये कि नेचर में पोलर होगा, लेकिन एक्चुअली में ये नेचर में कैसा होता है, नॉन पोलर। एक्चुअली ये नेचर में कैसा होता है, नॉन पोलर। तो इसका मतलब ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना कि कभी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आप किसी भी कंपाउंड में चार सेपरेशन देखने को आए तो आपको पोलर ही होता है, ठीक है। तो ऐसा कभी गलती मत करना। तो इसी को समझने के लिए हम लोग क्या होता है, डायपोल मोमेंट पढ़ते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट के हिसाब से अगर आप चलोगे, डायपोल मोमेंट के हिसाब से अगर आप चलना शुरू करोगे, तो इनका ये बोलना है कि अगर कोई भी पोलर कंपाउंड है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पास कोई भी पोलर कंपाउंड है तो इस केस में कुछ भी हो जाए इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। इसका डायपोल मोमेंट अगर जीरो नहीं हुआ तो वो कंपाउंड ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा, आपको पोलर होगा। अच्छा, अगर आपको कोई भी कंपाउंड नॉन पोलर है तो इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट का क्या वैल्यू होगा, आपको जीरो होगा। उसके डायपोल मोमेंट का क्या वैल्यू होगा, जीरो। यहां तक सही है? तो इसका मतलब यहां पे मैं क्या, ये कंडीशन ये बिल्कुल भी बहुत काम का कंडीशन है, कंडीशन फॉर पोलैरिटी, कंडीशन फॉर पोलैरिटी, यहां तक सही, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि इफ डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू जीरो तो कंपाउंड नेचर में कैसा होगा, कंपाउंड इज नॉन पोलर इन नेचर। कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर होगा, नॉन। अच्छा, उसके बाद अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो रहा, अगर डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो तो कंपाउंड कैसा होगा आपको नेचर में, पोलर इन नेचर होगा, पोलर इन नेचर होगा। सिंपल सा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको रूल कौन सा दे रहा है, कंडीशन फॉर पोलरिटी। यहां तक सही। चलिए, अब अगर ये कंडीशन आपको पोलरिटी का होता है तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स यहाँ पे सीखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे आपको सिखाना शुरू करता हूं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड मोमेंट। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड मोमेंट के नाम से जानते हैं, बॉन्ड मोमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बड़ा सरल चीज होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो पहले हम लोग इसको लिख देते हैं, फिर इसको हम लोग समझ भी लेंगे, और बड़ी सिंपल सा चीज होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ डायपोल मोमेंट, इट इज अ डायपोल मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड, ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड। ये क्या होता है, किसी भी बॉन्ड का, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड का क्या होता है, डायपोल मोमेंट। क्या आपको इस बॉन्ड में चार सेपरेशन दिख रहा है, बोलोगे बिल्कुल सर दिख रहा है। क्या इस बॉन्ड में चार सेपरेशन दिख रहा है, तो आप बोलोगे हाँ सर दिख रहा है। अगर इस बॉन्ड में देखोगे तो इस बॉन्ड में भी दिखेगा। तो ये जो आपको इंडिविजुअल जो एक बॉन्ड हुआ किसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसका जो डायपोल मोमेंट होगा ना, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड मोमेंट के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड मोमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे मान के चलो मैंने HCl लिया, तो इसका बॉन्ड मोमेंट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा बॉन्ड मोमेंट, यानी आपको ये डेल्टा प्लस हो जाएगा, और ये कौन सा होगा, डेल्टा माइनस। क्योंकि ये एक ही बॉन्ड है, तो इसका मतलब इसका ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको बॉन्ड मोमेंट इसका, ठीक है। तो देखो, आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि बॉन्ड मोमेंट होता क्या है। तो अब आपको मैं बता रहा हूं कि क्या होता है, कोई भी एक बॉन्ड है, उसके
उस बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉन्ड मोमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखो एक चीज यहां पे, क्या आपको दिख रहा है कि अगर आपके पास कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो उसका जो बॉन्ड मोमेंट होगा वही इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई डायपोल मोमेंट है ही नहीं। तो यहां से एक मैं यहां पे आपको एक एरो खींच के बता दे रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट चीज कि फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड मोमेंट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट, यहां तक सही है? ठीक है। तो कोई भी आपके पास अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर आपको दिया हुआ है तो उस केस में जो भी उसका बॉन्ड मोमेंट होगा वही उसका डायपोल मोमेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल यहां पे हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं। जैसे F और F के बीच में कोई बॉन्ड है F2, क्या इसके बीच में कोई चार्ज सेपरेशन होगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो इसका आपको बॉन्ड मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और अगर डायटोमिक है तो इसका आपको डायपोल मोमेंट भी इसका क्या हो जाएगा? आपको जीरो हो जाएगा। तो आपको बॉन्ड मोमेंट और डायपोल मोमेंट ध्यान रखना है कि फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दोनों का वैल्यू क्या होता है? आपको सेम होता है, बात हो सही। अच्छा, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक ध्यान देना, ठीक है, इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट, ये बहुत ध्यान से देखना, डायपोल मोमेंट इज वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड मोमेंट, इज वेक्टर सम ऑफ बॉन्ड मोमेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत बहुत क्रूशियल है। तो इसका मतलब आप ये चीज देखो कि ये इसमें कितने बॉन्ड मोमेंट है, इसमें तीन बॉन्ड मोमेंट है, एक ये बॉन्ड मोमेंट, एक ये। अगर इस मॉलिक्यूल्स का मुझे डायपोल मोमेंट निकालना है तो इन सारे बॉन्ड मोमेंट का क्या होगा? वेक्टर सम होगा। अगर इनका वेक्टर सम का वैल्यू जीरो हुआ, इसका मतलब डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। और अगर डायपोल मोमेंट जीरो हुआ तो ये नेचर में कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। और अगर बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर सम अगर नॉट जीरो हुआ, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और उस केस में मॉलिक्यूल्स नेचर में कैसा होगा? पोलर। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपको कभी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स रहे तो आपको उस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअली डायपोल मोमेंट क्या होगा वो सारे बॉन्ड मोमेंट्स के वेक्टर सम पे डिपेंड करता है। और अगर वेक्टर सम का वैल्यू जीरो, मतलब डायपोल मोमेंट जीरो। अगर वेक्टर सम का वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड सॉरी डायपोल मोमेंट क्या होगा? आपका नॉन जीरो होगा। ठीक है, तो ये चीज एक ध्यान देना, क्योंकि इसको एप्लीकेशन पे भी मुझे बहुत आगे तक चलना है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देते चलना। जैसे एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बात सिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेक्टर का आपको रिकॉल करवा दे रहा हूँ। जैसे मान के चलो, और इसका आपको बहुत जरूरत पड़ेगा, मान के चलो अगर एक वेक्टर ये ए है, ठीक है, और अगर मान के चलो दूसरा वेक्टर ये बी है। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हो, लेट इसके बीच का एंगल आपको थीटा है, ठीक है। तो अगर आप इसके बीच का रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हो, लेट दिस रिजल्टेंट वेक्टर बी आर, तो आपको वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर जो आपको आर होता है इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 × a × b × कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर का क्या हो जाता है? फॉर्मूला हो जाता है। ये क्या होता है? रिजल्टेंट वेक्टर का आपको फॉर्मूला होता है। और मैं आपको यहां पे ये जरूर डिनोट कर रहा हूं, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये क्या होता है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। यहां तक सही? तो इसका भी जरूरत पड़ेगा। अब पूछा जाए
अब थोड़ा सा काम की बात आपको, पहले तो मैं हिंट कर दे रहा हूं क्या होता है, बाकी इसको एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे मान के चलो अभी मैं इसको सेपरेटली डिस्कस करूंगा, लेकिन चूंकि ये टर्म्स आ गए तो मैं इसको आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान के चलो BeCl2 आपके पास है, तो ये BeCl और ये आपको BeCl है, ठीक है। तो अगर तुम ये देखोगे, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो चार्ज सेपरेशन क्या होगा, बिल्कुल होगा, ये डेल्टा प्लस होगा, ये डेल्टा माइनस होगा, ये अगेन डेल्टा प्लस होगा, और ये कौन सा होगा, डेल्टा माइनस। तो आप बोलोगे कि इसका बॉन्ड मोमेंट तो है। अब बॉन्ड मोमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर इस बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट का वैल्यू अगर जीरो हुआ, तो इसका मतलब उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर इस मोमेंट बॉन्ड मोमेंट का अगर आपको रिजल्टेंट वैल्यू नॉट जीरो होगा, तो इसका मतलब ये आपको कैसा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो देखो कैसे इसको समझोगे, इसको अगर समझना, ये अगर पॉइंट बी का ले लूं, एक वेक्टर आपको ए है इधर, और आपको सेम वेक्टर क्या है आपको ए इस डायरेक्शन में, तो दिख रहा है कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ये बॉन्ड मोमेंट, बॉन्ड मोमेंट अगर देखोगे इसका डायरेक्शन इधर है, इस केस में बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, या फिर बोल सकते हो कि इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है, मींस ये आपको डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो देखो दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो हुआ, इसका मतलब ये नेचर में कैसा होगा, नॉन पोलर। इसका मतलब ये नेचर में कैसा है, नॉन पोलर इन नेचर है। यहां तक सही? तो आपको एक चीज समझना है कि आपको अगर बहुत सारे बॉन्ड मोमेंट्स हैं, तो आप उसका रिजल्टेंट निकालो। अगर रिजल्टेंट निकाले बॉन्ड मोमेंट का, अगर उसका रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो रहा, तो इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जीरो है। अगर बॉन्ड मोमेंट का रिजल्टेंट जो निकालो उसका वैल्यू नॉन जीरो रहा, इसका मतलब उस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। याद रख सही, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक केस में डिवाइड करते हैं। जैसे अब हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ी डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अब हम लोग कुछ केस बनाते हैं, दैट इज मैं इसको अलग हेडिंग लिख रहा हूं, एक अलग हेडिंग से इसको लिख देना, दैट इज केस वन। कौन सा केस वन, इसको लिखूंगा व्हेन मॉलिक्यूल डू नॉट कैरी एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इसके हम लोग उस सारे मॉलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जो कि किसी तरह का लोन पेयर कैरी नहीं करता है। बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखना शुरू करेंगे। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से इंट्रोड्यूस करता हूं, कुछ अच्छे एग्जांपल से, ठीक है। लेट मान के चलो मैं सीख रहा हूं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, पहला एग्जांपल मैं लेके बना रहा हूं आपको। मान के चलो हमने एग्जांपल ले लिया BCl3। किसका एग्जांपल ले लिया? BCl3। ध्यान से सुनते चलना बेटा, और यहां से एक दो कंक्लूजन भी आपको बताऊंगा। तो अगर BCl3 देखोगे तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, आपको तो ये जग जाहिर पता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है। क्या यहां पे बॉन्ड मोमेंट होगा? बिल्कुल होगा। क्यों सर? क्योंकि आपको यहां पे डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस है। अच्छा अब मैं यहां पे थोड़ा सा एक चीज बता रहा हूं, क्या अगर बॉन्ड मोमेंट ये दिया हुआ है, क्या बोल सकते हो इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा ऐसे, बोलो सही है। अच्छा अगर इस लाइन को देखोगे तो इस केस में ये डेल्टा माइनस हो जाएगा, डेल्टा प्लस है, तो इस केस में डायपोल मूवमेंट का आपको डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इधर से ऐसे हो जाएगा। अच्छा इस बीसी में देखोगे तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, तो इस केस में डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहां पे तीन तीन बॉन्ड मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब हर बॉन्ड का एक डायपोल मोमेंट है। अगर इन डायपोल मोमेंट का अगर रिजल्टेंट वैल्यू जीरो हुआ, तो मतलब इस मॉलिक्यूल का भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दे रहा हूं, अदरवाइज की मैं बाद में जनरलाइज कर दूंगा। तो इसका मतलब ये अगर क्वेश्चन को सोचोगे, मैं इसको पहले थोड़ा समझा दे रहा हूं, तो ये अल्टीमेटली क्या है, एक वेक्टर ये वेक्टर, एक वेक्टर ये भी ए वेक्टर, और एक वेक्टर ये भी ए वेक्टर है। क्या बता सकते हो इसके बीच का एंगल क्या होगा? इसके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री होगा।
अगर मैं इन सब के बीच का रिजल्टेंट वेक्टर निकालूं, मतलब ये किसका रिजल्टेंट वेक्टर है, ये आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है r, ठीक है, निकाल। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, r का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू कॉस 120, कॉस 120 का वैल्यू माइनस 1/2 हो जाता है। तो देखो अगर इसको तुम कैंसिल आउट करोगे, इसको तुम अगर कैंसिल आउट करोगे तो देखो यहां से r का वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है, ये आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब इसका रिजल्टेंट ये जो वेक्टर होगा ये कौन सा होगा आपका a, इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो गया a। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, इसका मतलब अगर मैं इस केस में थोड़ा सा कंसीडर करूं, अगर मैं इस केस में थोड़ा सा कंसीडर करूं, ठीक है, तो देखो इस वेक्टर का डाइपोल मोमेंट इधर साइड, इस रिजल्टेंट वेक्टर जो इस डायरेक्शन में, तो इस वेक्टर का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, क्या दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट है, बिल्कुल है, और अगर है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल आउट, यानी इस मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया आपको जीरो, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे तो क्या इस, अगर आप सेम एक्सप्लेनेशन देखोगे तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो गया जीरो, बिल्कुल सिंपल सा जीरो हो गया। और अगर इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो हो गया तो इसका मतलब ये नेचर में कैसा है आपको, ये नेचर में आपको नॉन पोलर कंपाउंड है, ये कैसा है नेचर में नॉन पोलर कंपाउंड ये है, बोलो सही है, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, तो ये तो बाद में जनरलाइज कर लोगे आप, चिंता मत करो, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको बोला जाए PCl5, अगर मैं PCl5 लूं, आपको शायद PCl5 पता है कि इसमें कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इसका मतलब ये इसी कैटेगरी के अंदर आएगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं PCl5 का, तो मैं इसको थोड़ा अलग डायरेक्शन से पेन से बना दूंगा, ये PCl, ये PCl, ये PCl एक प्लेन में, ये PCl एक प्लेन में। अच्छा मैं अब दूसरे का डायरेक्शन बना दे रहा हूं, दूसरे का और कोई डायरेक्शन, एक ये PCl ये ऊपर डायरेक्शन है और ये PCl नीचे के डायरेक्शन है। ध्यान से सुनना, बोल रहा ना क्लियर हो जाएगी एक बार कॉन्सेप्ट, तो फिर आप जनरलाइज कर लोगे, ठीक है। देखो अगर मैं इसके बारे में ध्यान दूं, तो अगर मैं अलग अलग इसको डिस्कस करूं, ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं एग्जांपल लूं इस प्लेन ऊपर और नीचे वाले का, क्या बोल सकते हो इसमें डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन प्लेन के ऊपर और इधर साइड क्या हो जाएगा प्लेन के नीचे, दिख रहा है, तो दिख रहा है कि ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, और अगर वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा। मतलब इस प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे वाले क्लोरीन के कारण आपको कोई डायपोल मोमेंट नहीं होने वाला है, चलो एक काम क्लियर हो गया। अच्छा क्या आपने देखा है अभी जस्ट BCl3 बारे में, अगर ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो इस प्लेनर स्ट्रक्चर का भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, और अगर ये भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो और इस प्लेनर स्ट्रक्चर का भी डायपोल मोमेंट जीरो, इसका मतलब इस ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा जीरो, और डायपोल मोमेंट का जीरो हो जाएगा तो ये नेचर में कैसा होगा आपको नॉन पोलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कैसा मिलेगा इसका नॉन पोलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, चलो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, अब हम लोग क्या जनरलाइज करते हैं, मान लो हमने ले लिया एग्जांपल CH4, मैंने कौन सा एग्जांपल ले लिया CH4, ठीक है, मैंने ले लिया एग्जांपल CH4, क्या इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बात है नहीं, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा टेट्राहेड्रल CH और ये आपको H और सबके बीच में एंगल क्या होगा 109 डिग्री के आसपास होगा, ठीक है। अच्छा देखिए अगर आप इसका, चूंकि ये लोन पेयर इसमें नहीं कैरी करता है, लोन पेयर नहीं करता है, और चारों साइड में सराउंडिंग में सिमिलर एटम कनेक्टेड हैं, तो अगर आप इसका डायपोल मोमेंट निकालोगे इसका भी डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो, कैसे निकालेंगे जो हमने वेक्टर का मेथड अभी बताया आपको, तो डायपोल मोमेंट का जीरो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल्स भी कैसा है नेचर में नॉन पोलर इन नेचर है, ये कैसा है नेचर में नॉन पोलर इन नेचर, यहां तक सही। तो अब ये सब एग्जांपल देख के ना, अब ये सब एग्जांपल देख के आप एक कंक्लूजन लिख सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन भी है, ठीक है। क्या कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब आप यहां पे लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर दूं, कंक्लूजन क्या निकल सकते हो, जनरली इन केस ऑफ
कंपाउंड कैरी जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जीरो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डाइपोल मोमेंट, द डाइपोल मोमेंट इज जीरो एंड मॉलिक्यूल्स इज एंड मॉलिक्यूल्स आर कैसा होगा नेचर में, नॉन पोलर इन नेचर, कैसा होगा आपको नॉन पोलर इन नेचर, कैसा होगा नेचर में नॉन पोलर इन नेचर, ठीक है। किसी केस में ये वैलिड होगा, किसी केस में ये आप अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है उस केस में, अगर सेंट्रल एटम के चारों साइड सिमेट्रिकल एटम हो तो उस केस में डायपोल मोमेंट जीरो होगा, और डायपोल मोमेंट जीरो है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स कैसा होता है, नॉन पोलर इन नेचर होता है, बोलूंगा सही। चलिए जी अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा आगे कंक्लूड करते हैं, दैट इज पहला केस हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि एक ऐसा कंपाउंड जिस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये हमारा केस टू है, केस टू दैट इज मॉलिक्यूल्स कैरिंग, मॉलिक्यूल्स कैरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, याद रख सही, ठीक है। तो इसको हम एक बार देखना शुरू करते हैं, ध्यान देना कॉन्सेप्ट आपको वही रहेगा कि अगर किसी केस में रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो है तो कंपाउंड का भी डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर किसी केस में रिजल्टेंट अगर वेक्टर निकालो उसका वैल्यू नॉन जीरो है, इसका मतलब डायपोल मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, नॉन जीरो, याद रख सही है। चलिए अब देखो एक एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल इसमें मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ दैट इज NH3, और यहाँ पे एक चीज मैं भी बता भी दूंगा, ठीक है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ध्यान से सुन लेना बात, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, अगर वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लाइक कर रहा है, तो लोन पेयर के कारण जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल के डायरेक्शन होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट होगा वो उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल के डायरेक्शन होगा। बोलो चलो ठीक है सर, समझ में आ रहा है, कुछ बात समझ में आया। देखो यार टेट्रा एटल है, अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 की बात करूं, तो इस केस में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहां है, ऊपर डायरेक्शन में, यानी इस लोन पेयर का भी जो डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन होगा। यार लोन पेयर का डायपोल मोमेंट होता है, और उस लोन पेयर का डायपोल मोमेंट कंसिडर करना जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया हो, ठीक है। अच्छा चलो एक काम खत्म हुआ, अब दूसरा देखते हैं क्या है? N और H में इसके ऊपर कौन सा होगा डेल्टा प्लस, और इस N के ऊपर कौन सा रहेगा डेल्टा माइनस, इसका मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, अच्छा इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस केस में ऐसा, और लास्ट वाले NH में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब तुम सोचो एक मॉलिक्यूल से सब में डायपोल मोमेंट एक तरफ से वर्क कर रहा है, तो क्या उसका नेट डायपोल मोमेंट कभी जीरो हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता, यानी इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा आपको नॉट इक्वल टू जीरो, और ये नेचर में कैसा होता है, ये नेचर में पोलर कंपाउंड होता है, ये नेचर में कैसा होता है पोलर कंपाउंड आपको ये होता है, बोलो ठीक है, ठीक है। अगर ये आपको सही, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2O, नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं H2O, ठीक है। तो H2O का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, तो देखो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है, तो आप स्ट्रक्चर बना सकते हो H2O, और यहां से एक और चीज सीखोगे, एक ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा जी अगर ये चीज आपने देखा, अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ बता रहा हूं। देखो अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में देखूं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज, इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज, इसका मतलब इस बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर से इधर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा इधर से इधर, बोलो सही है। अच्छा इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में लाइक कर रहे हैं, इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, और इसका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का इस डायरेक्शन। अब तुम्हें सोचो ये मॉलिक्यूल्स है, सबका डायपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो ऑब्वियस उसका डायपोल मोमेंट जीरो कभी हो ही नहीं सकता, यानी ये भी कैसा होगा इस केस में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, और ये भी नेचर में कैसा है पोलर कंपाउंड है, ये नेचर में कैसा है पोलर कंपाउंड है,
बोलो चलो ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब एक और एग्जाम्पल आपको लेके बता रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल, और ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा सा इसको समझना ठीक है। क्या एग्जाम्पल है भाई, जैसे मैं मान के चलो OF2 बनाया, तो अगर मैं OF2 का स्ट्रक्चर ना, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, OF2 इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपको sp3 आएगा और इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ध्यान से सुनना, ये आपको एक नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हुआ नजर आएगा ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ तो फिर बताने में सही रहेगा ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, फ्लोरीन, तो मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, बोलो बात सही है, ये किसके कारण है, ये है ऑक्सीजन और फ्लोरीन के कारण। अच्छा इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल इस साइड में है तो इसके कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर और इसके कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, बोलो बात सही है ठीक है। अब ध्यान देना, ये एग्जांपल ध्यान देना, आपको एक पता है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका कुछ डायपोल मोमेंट होगा, ये OH के बीच में कुछ डायपोल मोमेंट है, क्या इन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम होगा कभी, क्या कभी नहीं सेम होगा, डायपोल मोमेंट सेम तब होगा जबकि सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बना है, तो चूंकि आपको यहाँ पे लोन पेयर है इसका डायपोल मोमेंट अगर म्यू वन है, इसका डायपोल मोमेंट अगर म्यू टू है, इसका रिजल्टेंट अगर म्यू आर वन आया, तो अगर इसका डायपोल मोमेंट मान के चलो म्यू थ्री है, इसका डायपोल मोमेंट म्यू फोर है, तो इसका रिजल्टेंट फ्लोरीन वाले का अगर म्यू आर टू आया, तो आपको ये 100% समझ में आना चाहिए कि म्यू आर वन इज नॉट इक्वल टू म्यू आर टू, ये 100% समझ में आना चाहिए, इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, अगर सेम नहीं होगा तो कोई बड़ा छोटा होगा, क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्या, नहीं, अगर दो वेक्टर अपोजिट है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो उसका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, और अगर जीरो नहीं हुआ इसका मतलब इस केस में डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और ये नेचर में कैसा होगा आपको पोलर, ये नेचर में कैसा होगा आपको पोलर इन नेचर होगा, बोलो ठीक है, कुछ पल्ले पड़ा। तो हमने यही देखना शुरू किया कि यार ऐसा क्या, ऐसा है क्या, सब देखने की जिस केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस केस में पोलर आ गया, इस केस में पोलर आ गया, इस केस में पोलर आ गया, तो क्या मैं ऐसा जनरलाइज कर लूं क्या कि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नेचर में पोलर होंगे, क्या ऐसा जनरलाइज कर लें, तो जवाब है नहीं, बोलोगे कैसे नहीं होगा, मतलब कुछ इसका प्रूफ तो होना चाहिए ना, तो अब मैं आपको प्रूफ करवा रहा हूं, जैसे एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है XeF4 का डायपोल मोमेंट निकालना है, किसका डायपोल मोमेंट निकालना है XeF4 का, ठीक है ध्यान से देखना, और आप लोग एक्सपर्टीज है ही आप लोग को इसमें, तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना ही सकते हो, क्या होगा देखो Xe फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये कहां पे हो जाएंगे एक प्लेन में, ये कहां हो जाएंगे एक प्लेन में, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये है कि इसके पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेन के ऊपर, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्लेन के नीचे, बोलो सही है सर, ये तो बिल्कुल सही समझ में आया। अब ध्यान देना, अच्छा क्या बता सकते हैं इस लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट कहां पे होगा, इस डायरेक्शन में, और इस नीचे वाले लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट कहां जाएगा, नीचे साइड में। तो देखो जैसे अगर मान के चलो ये फेज है, अगर एक का डायपोल मोमेंट ऊपर जा रहा है, एक का डायपोल मोमेंट नीचे आ रहा है, तो ये दोनों डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, यानी इनके कारण कोई डायपोल मोमेंट नहीं आएगा, चलो ठीक है। देखो फ्लोरीन और ज़ेनॉन में क्या बोल सकते हो कि डायपोल मोमेंट का इस केस में डायरेक्शन इधर होगा, और इस फ्लोरीन के केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इस फ्लोरीन के केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, और इस केस में फ्लोरीन के केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, बोलो सही है। तो देखो अब यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा ये कि अगर तुम गौर करोगे तो देखो ये डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल आउट करता हुआ नजर आएगा, शायद आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं, मैं दूसरा पेन लेने की कोशिश करता हूं, ये फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट इसको कैंसिल आउट करेगा, क्यों, क्योंकि देखो एक फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट इधर, एक फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट नीचे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, उसी तरह से ये डायपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो सारे डायपोल मोमेंट तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या रिजल्टेंट का वैल्यू जीरो होगा, बिल्कुल होगा, और अगर जीरो हुआ तो इसका मतलब ये नेचर में कैसा होगा, नॉन पोलर इन नेचर होगा, कैसा होगा नेचर में, नॉन पोलर इन नेचर होगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि आपको ये कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि लोन पेयर है तो पोलर होगा या नहीं, इसको आपको स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक सही है। चलिए अब एक एग्जांपल,
एक एग्जांपल और लोग देते हैं, दैट इज बी आर एफ थ्री, दैट इज बी आर एफ थ्री। चलो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊ तो आप कैसे बनाओगे देखना, मुझे तो पता है इसका स्ट्रक्चर, तो आप भी निकाल ही सकते हो। ये लोन पेयर, लोन पेयर, ये एफ, ये एफ शायद आपको पता होगा ये टी से होता है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको एग्जांपल को, ठीक है। अच्छा क्या आप बोल सकते हो कि ये जो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे है, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। चलो इसके कारण तो कोई लफड़ा नहीं। अब ध्यान देना यहाँ पे कि अगर मैं इसको कंसीडर करूं, इस लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, इस लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर, सही है। तो इस लोन पेयर के कारण रिजल्टिंग डायपोल मोमेंट जो आएगा वो क्या होगा, मान के चलो म्यू आर वन होगा, ठीक है, और बी और आर एफ के केस में इधर जो डायपोल मोमेंट होगा उसका मान के चलो वैल्यू म्यू वन है। तो आपको साफ दिखेगा कि म्यू वन और म्यू आर वन का वैल्यू सेम नहीं हो सकता। अगर इन दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा इसका मतलब कुछ ना कुछ रिजल्टेंट वैल्यू तो बचा रह जाएगा, अगर इक्वल रहते क्या होता, कैंसल आउट होता। तो इस केस में म्यू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये नेचर में कैसा है, मॉलिक्यूल्स आपको पोलर इन नेचर है, ये कैसा है नेचर में, पोलर इन नेचर है। चलिए अब मैं लास्ट क्वेश्चन एक करवाता हूँ, उसके बाद हम लोग थोड़ा अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। अरे भाई कहाँ चला गया, अब ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में देख रहा हूँ, दैट इज एक्स ई एफ टू। आपको पूछा गया कि ये पोलर नेचर का है कि नॉन पोलर नेचर, ठीक है। तो XeF2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन 8-10 मतलब 5 मतलब sp3d होता है। तो कैसा हो जाएगा, देखो ज़ेनॉन, लोन पेयर, लोन पेयर, ध्यान देना ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन अबव द प्लेन और ये फ्लोरीन बिलो द प्लेन, ठीक है। चलिए अब मैं कलर थोड़ा सा चेंज करके समझाऊंगा तो पल्ले ही पड़ेगा इजिली, ठीक है, यहां तक सही। तो देखो ये फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, क्या ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब बात आती है लोन पेयर वाले पे, ध्यान देना, ये लोन पेयर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट जो होगा उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इसके कारण जो रिजल्टेंट होगा लेट दिस बी म्यू आर होगा, अगर ये म्यू वन है, अगर ये म्यू टू है तो इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट वैल्यू क्या जाएगा, म्यू आर। और इस लोन पेयर के कारण आपको डायपोल मोमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में, और बाय द फॉल्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे ये इसका जो वैल्यू होगा डायपोल मोमेंट, इसका भी वैल्यू म्यू आर के बराबर होगा। तो देखो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो सारे डायपोल मोमेंट अगर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए तो इस केस में म्यू का वैल्यू क्या बच गया, जीरो, और अगर म्यू का वैल्यू जीरो बच गया तो ये नेचर में कैसा है, नॉन पोलर, ये नेचर में कैसा होता है आपको, नॉन पोलर इन नेचर होता है, बिल्कुल सही है यहां तक, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में यही तक पढ़ा रहा हूँ इस केस में, और ये आपको बहुत ही एक ब्रॉड आइडिया दिया है इस पूरे चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो इसको एक बार देखिए, इसको सारा मैंने टर्म यहाँ पे पढ़ाया है, होपफुली आप रिकॉर्डेड वीडियो देख के इसको समझ भी सकते हो। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ डायपोल मोमेंट का, इसके बाद कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए।